Fever.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। अमेज़न के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। वह इस साल के आखिर तक पद छोड़ देंगे। बेजोस ने एक पत्र लिखकर अपने कर्मचारियों को इस फैसले के बारे में जानकारी दी है। जेफ बेजोस ने ऐलान किया है कि इस साल के अंत तक उनकी जगह एंडी जैसी अमेज़न के CEO बन जाएंगे। लेकिन जेफ बेजोस रिटायर नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि अब वे कुछ और चीजों पर फोकस करेंगे। टेक इंडस्ट्री के लिए एंडी जैसी जाना माना नाम है। 53 साल की जैसी ने 1997 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद अमेज़न ज्वाइन किया था। उन्होंने अमेज़न वेब सर्विसेज की स्थापना की और इसे लाखों लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्लाउड प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया। जेसी को टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ है। एंडी जैसी इस पद के लिए लंबे समय से दावेदार माने जा रहे थे। वह बेजोस के अधिकारियों के समूह का सदस्य हैं, जिसे टीम एस कहा जाता है। वह शुरुआत से ही AWS के प्रमुख थे। बेजोस ने 2016 में उन्हें AWS CEO का पद देकर उन्हें प्रमोट किया। एंडी जैसी के ही फैसलों के दम पर अमेज़न ने हालिया दिनों में क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बढ़त हासिल की। शायद यही वजह है कि जैसी पर बेजोस ने अपना भरोसा जताया है। अमेज़न और जेफ बेजोस की बात करें तो अब 57 साल के हो चले बेजोस ने 1994 में अपने घर के गैराज से अमेज़न की शुरुआत की थी और अब उनकी कंपनी ऑनलाइन रिटेल में सबसे बड़ा नाम है। अमेज़न अब ग्रॉसरी, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, TV, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कई क्षेत्रों में पांव जमा चुकी है। बेजोस अमेज़न के अलावा वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर और प्राइवेट स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के भी मालिक हैं। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।